नमस्कार, बीएसपी 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों की ओर। वाराणसी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। श्रीमान क्षेत्र अधिकारी सदर एवं प्रभारी निरीक्षक रोहनिया के नेतृत्व में दिनांक 3/7/2021 को उप निरीक्षक उमेश कुमार, चौकी प्रभारी अखरी थाना रोहनिया वाराणसी में पुलिस बल के लटिया तिराहे पर चेकिंग में मौजूद थे। तभी मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया, जिसके पास चोरी के जेवरात बरामद हुए, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम नवनीत तिवारी, पुत्र संतोष तिवारी, ग्राम दयापुर नरेचा, थाना लोहता, जनपद वाराणसी बताया। गिरफ्तार करने वाली टीम प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवीण कुमार, उप निरीक्षक उमेश कुमार राय, कांस्टेबल जितेंद्र प्रताप, कांस्टेबल भावेश मिश्रा, कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव, प्रदेश क्राइम रिपोर्टर संध्या सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 14/6/2021 को अवलेशपुर थाना रोहनिया के रहने वाले विकास मिश्रा ने चोरी के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कराया था और यह चोरी गहनों से संबंधित थी जो कोई उनके घर से लेकर फरार हो गया था। और आज दिनांक 3/7/2021 को मुखबिर खास की सूचना पर लटिया तिराहे के पास से मुलजिम नवनीत तिवारी, ग्राम दयापुर में रहचा, थाना लोहता को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से चोरी किए गए हीरे जवाहरात और एक अदद टच स्क्रीन सैमसंग मोबाइल और एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी टीवीएस स्पोर्ट बरामद हुई है। चोरी करने वाले आपस में क्या है? कुछ ये चोरी करने वाला जो था नवनीत तिवारी, ये जिन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था उनका भांजा लगता था। तो चोरी करता था, चोरी का माल बेचता था, अपने मामा को बताता था कि ऐसी कुछ घटनाएं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये उसने प्रथम बार किया था, उनके घर से जवाहरात लेके फरार हो गया था। कितने का माल लेके फरार हुआ था? इसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए। नहीं, 5 लाख की बरामद हुई, कितने का लेके फरार हुआ था? बरामदगी हो गई है पूरी।